कोरोना वायरस के चलते देश में सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हो रहे हैं। हालांकि किसानों के लिए सरकार ने प्रशासन को ढील बरतने के आदेश भी दे रखे हैं, लेकिन मौसम की मार और लॉकडाउन के बीच अब आम की खेती करने वाला किसान पिस रहा है। ऐसे ही मेरठ के किसान का दर्द जानने के लिए R9 टीवी के संवाददाता मनोवर चौहान ने आम की खेती करने वाले किसान से बात की और उनका हाल जाना। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में ऐसे कई वर्ग हैं जो अब पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। बात करेंगे इस वक्त मेरठ के तमाम उन लोगों की जो इस वक्त आम की खेती कर रहे हैं। इन लोगों को पहले तो मौसम की मार ने मारा और अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से ये लोग हैरान और परेशान हो गए हैं। बड़े स्तर पर इन लोगों का नुकसान हो रहा है। मेरे साथ खुद जो बाग ठेकेदार हैं वो मौजूद हैं। दोनों भाई ये बड्ढा के रहने वाले हैं, काश्त बड्ढा पड़ता है और वहाँ पर इन्होंने बाग लिया है, लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे दोनों भाइयों की आंखों में आंसू हैं, आंखें नम हो चुकी हैं। और ऐसा क्यों है सभी जानते हैं, वजह क्या है, लॉकडाउन और मौसम की मार दोनों परेशान हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इतनी भयावह स्थिति हो गई है तो ये किस तरीके से बाग लिया और किस तरीके से रह पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर है जी। जाकिर जी, कहाँ बड्ढा से हैं आप? आपने कहाँ से कहाँ बाग लिया है? बाग लिया ललसियाने सील कुंज के धोरे। अच्छा, ये बताइए कितना बाग है ये और कितने रुपए में आपने लिया? ये है बाग है जी, ये 104 बीघे का बाग है, 104 बीघे जो हम पे 18 लाख रुपए में है और 150 पेटी आम देंगे। तरीके की मजबूरी है इस लॉकडाउन में, खासकर किसानों पर मार पड़ी है। पहले फूल किसान, सब्जी किसान, फल किसान और अब आम किसानों की अगर बात की जाए जो आम की खेती कर रहे हैं, जिन लोगों ने ठेकों पर बाग लिए हैं अब वो पूरी तरीके से बर्बादी की ओर चल चुके हैं। चूंकि आम की फसलों को पहले तो तूफान ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन मौसम के बाद लॉकडाउन ऐसा पड़ा हुआ है जिसकी अवधि बढ़ रही है, जो आम यहाँ पड़ा है उसको भी ये लोग नहीं बेच पाते हैं। और अगर कोई लेने के लिए भी आए, कोई अचार के लिए लेने आए, कोई सब्जी के लिए लेने आए, तो वो नहीं आ सकता है चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे लॉकडाउन में मेरठ प्रशासन किसी को निकलने नहीं देता है, क्योंकि मेरठ में लगातार कोरोना पेशेंट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। मेरठ से कैमरामैन सलमान के साथ मनोवर चौहान, R9 TV, उत्तर प्रदेश।